हाँ जी, तो ये है फोर्ड की नई MMC फिगो। और MMC का मतलब क्या होता है? MMC का मतलब होता है इंटरनली मैन्युफैक्चर, यूज़ करते हैं इस वर्ड को, माइनर मॉडल चेंज। और फिगो में फोर्ड कहता है कि करीब 1200 चेंज ऐसे हैं जो बनाते हैं इस गाड़ी को नया। अब 1200 चेंजेस का मतलब है कि करीब करीब 50% गाड़ी नई है पहले के मुकाबले, तो काफ़ी चेंजेस किए हैं फोर्ड ने। आगे तो आप देख ही सकते हैं, नई ग्रिल है, नई हेडलैम्प्स हैं, नई फॉग लैम्प्स हैं, नया बम्पर है और साइड में नए एलॉय व्हील्स हैं। लेकिन बड़े चेंजेस इसके बॉनेट के नीचे हैं और ज़्यादा बड़े चेंजेस अंदर कैबिन में है। तो आइए देखते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के कि नया क्या है और क्या अब फिगो पहले से बेहतरीन है। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये भी करूँगा कि प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करें, मेरा हैंडल आशीष मसीह 1। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और मेरी इन्फ्लुएंशियल पावर्स बढ़ जाएंगी मैनुफैक्चर के सामने, ऐसी गाड़ियाँ मुझे वो ज़्यादा जल्दी दे सकेंगे। प्लीज़ आशीष मसीह 1 पर जाकर मुझे फॉलो करें ट्विटर, और इंस्टाग्राम पर आप टीम को ही फॉलो कर सकते हैं autoportal_india पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आइए अब देखते हैं अंदर चल के फिगो में नया क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छी लगेगी फोर्ड फिगो में घुसते ही वो है इन दरवाज़ों की आवाज़। सुनिए एक बारी फिर से, बहुत ही ज़्यादा सेफ और स्टर्डी आवाज़ है ये। और इस गाड़ी में जब आपने पूरे फैमिली के साथ बैठेंगे तो आपको बहुत ही सेफ़ और सिक्योर फीलिंग आएगी। इस सॉलिड बिल के साथ साथ फोर्ड आपको बहुत सारे फीचर्स भी देता है सेफ रहने के लिए। आपको मिलते हैं 6 एयरबैग इस टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में। इस टॉप ऑफ द लाइन वर्जन का नाम ब्लू है, और जो बेस वर्जन है उसमें भी आपको 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है ABS विद EBD, और भी बहुत सारे फीचर्स जो आपको रखेंगे इस गाड़ी में सेफ़ और महफूज़ बाकी सारे ट्रैफिक से बाहर। और बात करिए अगर क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। छोटी छोटी जो स्विचेज़ हैं यहाँ पे उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको किसी भी गाड़ी की क्वालिटी चेक करनी है तो आप उसका बीच का सेंटर कंसोल का पार्ट चेक कर सकते हैं हिला के, या उसे ज़ोर से धक्का दे के। अगर वो हल्का है या हिलता ज़्यादा है तो इसका मतलब क्वालिटी कमज़ोर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सॉलिडली पुट टुगेदर है ये। क्योंकि आमतौर पर लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते, तो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पैसे बचाते हैं और गाड़ी की क्वालिटी डाउन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्ड ने बहुत ही सॉलिड क्वालिटी दे रखी है, अच्छी बात है। बात करें अगर हम सीट्स की, सीट्स कंफर्ट के मामले में अच्छी हैं। और मेरा फेवरेट फीचर किसी भी गाड़ी में होता है बॉटल होल्डर्स, जैसे कि आप जानते हैं। और इस गाड़ी में मिलते हैं टोटल 9 बॉटल होल्डर, 3 दोनों दरवाज़ों में यानी कि 6 और 3 यहाँ बीच में, जो बनाता है इसको बहुत ही अच्छा गाड़ी प्रैक्टिकलिटी के मामले में। और एक और चीज़ जो अच्छी है जो फोर्ड ने ऐड करी है वो है यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन। पहले वाली गाड़ी के मुकाबले बहुत अच्छा है, चलाने में बेहतरीन है, यूज में ईजी है, और इसकी जो ब्रिलियंट ब्राइटनेस है उसको देख के भी आप खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि छोटी गाड़ियों में ये बेस्ट टच स्क्रीन सिस्टम है, सिर्फ ईज ऑफ यूज के मामले में और ओवरऑल फॉन्ट्स और विजिबिलिटी के मामले में। एक और चीज़ जो फोर्ड ने दे रखी है ब्लू वर्जन में वो है यहाँ पे ब्लू कलर डोर पैड्स पे, और साथ ही साथ दरवाज़ों के साथ साथ यहाँ पे आपको स्टिचिंग भी मिलती है ब्लू रंग की, जो कि इस एम्बियंस को थोड़ा उठा देती है गाड़ी के अंदर का, क्योंकि बाकी सब बहुत डार्क ग्रे और ब्लैक है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं यार, थोड़ा बोरिंग लग रही है गाड़ी, है थोड़ा सा मेरे को मज़ा नहीं आया। तो उन लोगों के लिए एक स्पोर्टी टच दे रखा है फोर्ड ने इस गाड़ी के एम्बियंस को उठाने के लिए। तो आइए चलते हैं पीछे की सीट्स में और देखते हैं कि क्या वो भी इतनी अच्छी हैं जितनी आगे की हैं ओवरऑल कम्फर्ट के मामले में। हेडरूम हो कम और नीरूम हो तंग तो पीछे वाले की लाइफ हो जाती है पूरी मलंग, लेकिन लकीली ऐसी कोई दिक्कत आपको फिगो के कैबिन में नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपकी हाइट 5'10" है मेरी तरह, या आपकी हाइट है 6'1" या 6'2" भी, तभी यहाँ पे हेडरूम और नीरूम दोनों ही सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है। आगे की सीट्स भी ऊपर है तो आप उसके नीचे अपने पैर आराम से फैला सकते हैं। गाड़ी चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छी है तो 3 लोग यहाँ तसल्ली से बैठ सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इन सीट्स की वो है इनकी कुशनिंग। जो इनमें गद्दे लगाए गए हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट हैं, ना ही वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं या भारी हैं या स्टिफ हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट कुशनिंग लगाई गई है। आपको आपके लंबी टांगों के लिए अन्यथा इसके लिए भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बैकरेस्ट एंगल भी बेहतरीन है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा लंबे सफ़र पर। जो आपका नी और हिप एंगल है वो भी एक अच्छे 90 डिग्रीज पे है, तो आप तसल्ली से इन सीट्स में बैठ सकते हैं, थकान नहीं होगी। एक और अच्छी बात है और वो ये है कि जो इसके दरवाजे हैं वो काफ़ी चौड़े खुलते हैं, और जो एंट्री पॉइंट है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो इस गाड़ी में उतरने में और चढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप इसमें आराम से वॉक इन कर सकते हैं और बैठ सकते हैं बिल्कुल बॉस की तरह। हाँ, एक कमी ज़रूर है और वो ये है कि इसमें आपको पीछे AC वेंट नहीं मिलते हैं Hyundai ग्रैंड आइटम की तरह। तो वैसे तो कोई कमी नहीं है क्योंकि AC इसका अपने आप में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो ब्रोशर घर ले आते हैं और पढ़ते हैं एक एक फ़ीचर को, वो
इस चीज़ से थोड़ा सा इसको नेगेटिव ले सकते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि इसमें ऐसी इवेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को हो सकती है। ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो ये है कि सीट इसकी काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्ट अच्छा है, स्पेस अच्छा है, और मैं दूंगा इसको बैक सीट डिपार्टमेंट के मामले में 8/10 में से। अगर आप हमारे बूट रिव्यू का हमेशा वेट करते हैं तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। वो ये कि जो डिकी इस गाड़ी की जो बूट है वो अपने मेन राइवल से थोड़ा सा आगे है। इसमें स्पेस ज़्यादा है लीटर्स के मामले में, और स्पेस और साइज़ भी इसका अच्छा है, काफ़ी स्क्वायर बूट है, तो आप एक बड़ा सूटकेस का आइटम इसमें तसल्ली से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक यहाँ पे बहुत डीप लोडिंग लिप और सिल ज़रूर दिया गया है, लेकिन आपको ज़्यादा एफर्ट मारना नहीं पड़ेगा क्योंकि गाड़ी नीचे ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है। अगर आपको निकलना है अपने शहर से बाहर 2 या 3 की छुट्टियाँ मनाने पहाड़ों की तरफ, तो उसके लिए इसमें काफ़ी जगह है, आप आराम से 2 बड़े बैग इसमें रख सकते हैं। और अगर उन पहाड़ों से आपको अपनी सासू माँ को वापस लाना है तो उनके सामान के लिए भी यहाँ पे जगह बन जाएगी। ओवरऑल मैं दूंगा इसके बूट को 8/10 में से, गाड़ी का शेप और साइज़ को मद्देनजर रख के। तो फीगो में अब आपको मिलता है 1.2 लीटर का एक नया इंजन, जो पहले हम फ्री स्टाइल में देख चुके हैं, लेकिन ये फीगो में पहली बार आ रहा है। ये 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है और ये बनाता है करीब 96 bhp पावर के, जो बनाता है इस इंजन को सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन अपनी कैटेगरी में, अपनी श्रेणी में। अच्छी बात जो इस इंजन की है वो ये है कि जो इसकी रिफाइनमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आलीशान है। इनफैक्ट ये जापानीज़ और ह्यूंडई अपने राइवल्स को, अपने मुकाबले की गाड़ियों को हरा सकता है सिर्फ रिफाइनमेंट के मामले में ही, इतना अच्छा इसका रिफाइनमेंट है इंजन का। और एक और चीज़ जो आपको अच्छी लगेगी वो है इसका बहुत ही रिस्पॉन्सिव नेचर, बहुत ही ज़्यादा जिपी इंजन है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है और आपको इसे ज़्यादा रेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें से परफॉर्मेंस निकालने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा इंजन है सिटी ड्राइविंग के हिसाब से। एक और बात जो आपको इस गाड़ी में अच्छी लगेगी वो इसका गेयरबॉक्स, चाहे आप डीजल की गाड़ी लें या पेट्रोल के लिए, दोनों में ही गेयरबॉक्स बहुत ही स्पोर्टी है, बहुत ही अच्छे और शॉर्ट थ्रोज हैं इसके, यानी कि ज़्यादा दूर तक आपको लंबा हाथ नहीं फेंकना पड़ता, हल्के हल्के में ही आपको गियर चेंज करने का अनुभव कर सकते हैं आप। और मज़ेदार गेयरबॉक्स है, क्रिस्प गेयरबॉक्स है, और गाड़ी चलाने में ये आपको और भी ज़्यादा आनंद देगा। वो लोग जो गाड़ी को लेकर हाईवे पर चलाने का शौक रखते हैं वो फीगो में बहुत ही खुश रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो इसकी राइड कंफर्ट है, जो राइड के मामले में गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट मैं अपनी गर्दन निकाल के बारी बात ज़रूर कहूँगा कि छोटी गाड़ी की श्रेणियों में ये बेस्ट राइड ऑफर करती है। इसकी राइड क्वालिटी स्विफ्ट, ह्यूंडई की ग्रैंड, i10 और किसी भी गाड़ी से ज़्यादा बेहतरीन है इस प्राइस पॉइंट पर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाड़ी हाईवे पर एकदम चिपक कर चलती है, ये आपको बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं होने देगी। इनफैक्ट ये आपकी पिछली गर्लफ्रेंड से लाखों ज़्यादा बेहतरीन है स्टेबिलिटी के मामले में। ओवरऑल मैं दूंगा फोर्ड फीगो को स्ट्रॉन्ग स्कोर 90 का 100 में से, अगर हम बात करें सिर्फ ड्राइविंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि गाड़ी चाहे आप पेट्रोल लें चाहे डीजल लें, चलाने में है बहुत ही मज़ेदार, है बहुत ही एंगेजिंग, और डेफिनेटली आपके शक्ल पर ये स्माइल ज़रूर देगी। साथ ही साथ फोर्ड ने इस गाड़ी में आपको दिया है 5 साल का वारंटी पैकेज, जो बनाता है इस गाड़ी को बहुत अच्छी डील। और आप फोर्ड की डीलरशिप पे जाके ज़रूर चेकआउट करिए इसके आफ्टर सेल्स सर्विस और वारंटी पैकेज को। फोर्ड ने इस बार गाड़ी के प्राइस भी कम किए हैं, जो बनाते हैं इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑल राउंड पैकेज। तो ये छोटे बड़े चेंजेस बनाते हैं फीगो को एक ज़्यादा बेहतरीन ऑलराउंडर। गाड़ी है चलाने में अच्छी, गाड़ी है कंफर्ट के मामले में अच्छी, गाड़ी फीचर्स के मामले में भी अच्छी है, और देखने में भी काफ़ी अच्छी है बाहर से। तो ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आपको डेफिनेटली जाके फोर्ड की डीलरशिप पे इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए और देखना चाहिए अपने लिए जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सच हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे को आप प्लीज़ ये ना लिखिएगा कॉमेंट्स में कि मैंने फोर्ड से पैसे खाए हैं। अगर देना हो मेरे को इसको स्कोर 100 में से, तो मैं दूंगा इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर 89 का। इट्स बाय फॉर नाउ एंड होप टू सी यू सून।